मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स इन दिस वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो अभी तक हमने देखे हैं वो बहुत ही कम होते हैं. दे कैन बी आइदर हाइड्रोजन एटम और हीलियम आयन और लिथियम आयन दैट इज 2+ या फिर बेरिलियम 3+ सो ऑन. सो इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही कम होते हैं और रेयर भी होते हैं क्योंकि ये हमें नेचुरल नहीं मिलते हैं. हाइड्रोजन एटम वी गेट इट बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज अ 4 पार्टिकल सिस्टम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नॉट अ 2 पार्टिकल सिस्टम. 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स आर ऑल 2 पार्टिकल सिस्टम्स. एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में घूमता है. सो 2 ही पार्टिकल्स होते हैं उसमें ज्यादा नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं हीलियम न्यूक्लियस है हीलियम एटम है या फिर बहुत सारे हमारे जो केमिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या हायर एटम्स जो होते हैं वो सारे ही मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं. सो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की तरफ हम जाए तो ज्यादा बेटर रहता है. लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की तरफ जाते हैं तो वी हैव द नंबर ऑफ हैमिल्टोनियंस का जो फॉर्मूला है हमारा n+e (n+e+1)/2. सो दिस गिव्स अस नंबर ऑफ टर्म्स इन द हैमिल्टोनियन. Number of terms in Hamiltonian, so that becomes very much large, and so it becomes very difficult to solve this Schrödinger equation. So this Schrödinger equation is nothing but h psi is equal to e psi. So ये equation में अगर इतने number of terms होंगे तो it becomes very difficult to solve that equation exactly. एग्जैक्टली सॉल्व करने में हमको काफी डिफरेंट होगा. काफी एक्यूरेटली अगर हमको इसे सॉल्व करना हो तो वेरी डिफिकल्ट होगा. सो व्हाट वी डू इज दैट वी रिक्वायर अप्रोक्सीमेशंस टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन. समटाइम्स वी हैव टू मेक वेरी लार्ज नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस एंड समटाइम्स वी कैन टेक इट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशंस एंड गेट द सॉल्यूशंस. सो सम अमाउंट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस आर रिक्वायर्ड एंड वी नीड टू जुडिशियसली चूज कितने नंबर ऑफ अप्रोक्सीमेशन हमें लगेंगे और हमारे लिए वो कितना एक्सेप्टेबल सोल्यूशन जो है वो हमारा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है उसके जो प्रैक्टिकल वैल्यूज आ रहे हैं एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यूज आ रहे हैं उसके नजदीक हमारा ये थियोरेटिकल सोल्यूशन आना चाहिए. देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेप्टेबल सोल्यूशन. तो वो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन लाने के लिए हमें कितने अप्रोक्सीमेशन करने पड़ते हैं दैट इज वॉट वी नीड टू लुक इट इन टू. So one requires approximations to solve Schrödinger wave equation to find energy levels of such systems. Not only for energy levels, but जो भी हमें physical property निकालनी है, वो सारी physical properties के लिए हमें approximations की ज़रूरत पड़ती है. So it can be done by neglecting particularly the mutual repulsions among the electrons and making corrections using perturbation and variation. जब हम निग्लेक्ट करते हैं म्यूचुअल रिपल्शन अगर इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो इफ दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड अराउंड दिस अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ है दूसरा यहाँ पर थर्ड यहाँ पर फोर्थ इधर है. सो क्या होता है यहाँ पर कि दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन मोशन. सो दे आर ऑलवेज इन मोशन. सो इनके जो रिलेटिव डिस्टेंसेस है वो चेंज होते रहते हैं. रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होते रहेगा तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमेशा चेंज होते रहता है एंड सो इट बिकम्स लिटिल बिट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी एट ईच इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो इसमें हमें अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ते हैं. सो फॉर दैट पर्पज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन निग्लेक्ट द म्यूचुअल रिपल्शन. इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन या इसके साथ इसका रिपल्शन इसके साथ इसका रिपल्शन हम निग्लेक्ट कर देते हैं. लेकिन ये जब हम निग्लेक्ट करते हैं तो हमारे जो वैल्यूज आते हैं आंसर जो आता है हमारा वो आंसर काफी दूर होता है प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से काफी दूर हो जाता है. सो उसके लिए फिर हमें करेक्शंस डालने होते हैं. वो करेक्शंस होते हैं जनरली पर्टर्बेशन थियरी से या वेरिएशन मेथड से. वेरिएशन मेथड्स एंड पर्टर्बेशन थियरीज को हम यूज करके इसमें करेक्शंस डाल सकते हैं एंड देन वी गेट द सॉल्यूशन व्हिच इज मोर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन विच इज क्वाइट एक्सेप्टेबल. हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के नजदीक का सोल्यूशन हमें मिल जाता है. एडवांटेज यहाँ पे यही होता है कि हमें एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना होता है. हम यहाँ पे कंप्यूटर को बोल सकते हैं और वो हमारे लिए कर सकता है. अगर हम ट्रेन कर सके कंप्यूटर को कि किस टाइप के अप्रोक्सीमेशन लेने हैं और कितने करेक्शन उसमें डालना है
अगर इतना हमें पता हो वहां पे, तो फिर हम उससे सॉल्यूशंस इजीली निकाल सकते हैं। एक बार हमने वो प्रोग्राम बना दिया तो फिर कंप्यूटर में हम सिर्फ सिस्टम्स को फीड करते जा सकते हैं। हीलियम एटम, पोटेशियम एटम, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या फिर कोई भी दूसरा मॉलिक्यूल उसमें फीड कर दो एज एन इनपुट एंड यू गेट द सॉल्यूशन फॉर इट। सो इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि हमें लैब में जाकर के काम नहीं करना पड़ता है, हम सिर्फ कंप्यूटर को बोल दें और हम घूम में जा सकते हैं, कंप्यूटर अपना काम करते रहेगा, दूसरे दिन आकर के दे दोगे तो आपके सॉल्यूशन सारे रेडी होंगे। सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ दिस कंप्यूटर इज। एंड सेकेंड एडवांटेज इज कि पोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हमें केमिकल्स के साथ खेलना नहीं पड़ता है, सब कोई पोल्यूशन की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, हमें सिंपल कंप्यूटर एक अच्छा क्वालिटी का सर्वर लेकर के रख दो एंड दैट विल वर्क फॉर अस फॉर मेजोरिटी ऑफ दस। अगर बहुत ही बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए देखना है देन वी रिक्वायर सुपर कंप्यूटर्स। हमारे पास सुपर कंप्यूटर पुणे यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, सीडेक का इंस्टॉल किया हुआ सुपर कंप्यूटर है। वी आर अमंग दी 5 कंट्रीज हु हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन सुपर कंप्यूटर्स। हमारे सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। This is Param supercomputer, which is maintained and manufactured by CNIC, and it is present in Pune University campus. So we will see about the two electron systems. We will see two electron system as an example of a multi-electronic system. We will not go for higher ones, but a simpler one, two electron system, that is helium atom. हीलियम एटम में वी हैव दिस हीलियम एटम इज हैविंग टू प्रोटॉन्स टू न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। सो देयर इज वन न्यूक्लियस इज देयर एंड टू प्रोटॉन्स है तो टू इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो दो इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस है। सो दिस इज अ थ्री पार्टिकल सिस्टम, दिस इज अ थ्री पार्टिकल सिस्टम। सो देयर आर थ्री पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, which is one is nucleus plus two electrons. So we can imagine this to be somewhat like this, where nucleus is over here, we have this nucleus, फिर एक electron यहाँ पे one number पे and एक electron two number पे. These two electrons are at a distance of r1 and r2 from the nucleus, and mutually they have a distance of r1 2. Electron r1 or electron r2, इलेक्ट्रॉन R1 एंड इलेक्ट्रॉन 2, ये दोनों का डिस्टेंस R1 2 है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस R1, सेकंड इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस R2 है। सो दिस सिस्टम वी कैन हैव इट एज एन एग्जांपल फॉर दिस टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और ये हमारे पास तीन पार्टिकल्स हैं, वन न्यूक्लियस एंड टू इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन हैमिल्टोनियन, number of terms in Hamiltonian is n plus e, that is 1 plus 2 into n plus e plus 1 divided by 2. So this will be 3 into 4 divided by 2. So total 6 terms are present. We will need to have 6 terms in this particular solution. We will require 6 terms. लेकिन इस सिक्स टर्म्स में से अगर हम न्यूक्लियस को कांस्टेंट रखते हैं, न्यूक्लियस का जो पोजीशन है अगर उसे हम कांस्टेंट रखते हैं, ये जो पोजीशन है यहाँ पे न्यूक्लियस वाला, दिस इज केप्ट एज कांस्टेंट ओवर हियर। सो इफ दिस इज केप्ट कांस्टेंट देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस। सो इसका जो मूवमेंट है वो हमारा टर्म जो होगा वो नहीं रहेगा। सो रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ दिस न्यूक्लियस हमारा टर्म वहां पे नहीं रहेगा। So, एक टर्म यहां से हम कम करवा सकते हैं उसका, तो वन टर्म विल गेट रिड्यूस्ड। सो वी विल हैव 5 टर्म्स ओवर देयर एंड दोस 5 टर्म्स कैन बी रिटन इन हैमिल्टोनियन एज हैमिल्टोनियन ऑफ 1 2, दैट इज 1 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 8π² m इनटू del1² प्लस del2² न्यूक्लियस वाला टर्म यहां पे से गायब रहेगा। We are having it terms for electrons only, plus potential energy ka term Z e square minus Z e square upon R1. Yahan pe kya hai? Z e is the charge on nucleus
or minus E is the charge on the electron. So minus E into Z E is minus Z E square at a distance of R1, first electron ka. वैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन का होगा जेड ई स्क्वायर अपॉन आर टू एंड देन वी विल हैव इट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, माइनस ई इंटू माइनस ई, सो इट विल बी प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर टू आर वन टू प्लस ई स्क्वायर अपॉन आर वन टू. दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी टर्म ओवर हियर फॉर बिटवीन द रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. ये दोनों टर्म्स जो है वो अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर वन, वेयर दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी टर्म. एंड दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी टर्म. So, kinetic energy term and potential energy term. In atomic units, we can write this as H1 of 2, that is H cap 1 of 1, 2 will be equal to H, that is equal to minus half del 1 square. This term completely will be equal to minus half so this term will be minus half, so that we can have this as minus half del 1 square minus half del 2 square minus ZR1 minus ZR2 plus 1 upon R1. इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने जीरो लिया, वन लिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सो दैट विल बिकम फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन. So, इसमें अभी वी हैव दिस ओवर हियर, यहाँ पे जेड जो होगा हीलियम एटम है हमारा, इसलिए जेड विल बी इक्वल टू टू, बट दैट वी विल लीव इट फर्दर. सो द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर दिस विल बिकम श्रोडिंगर इक्वेशन विल बी एच आर इक्वल्स ई आर, दैट इज we will have psi will be equal to psi of 1, 2, that can be written as psi of x1, y1, z1 and x2, y2, z2. We are keeping nucleus at a constant value, so we are not taking the coordinates of nucleus. We are taking the coordinates only of the two electrons and not the others. So let this be our equation number 3. Upon neglecting, if we take an approximation that upon neglecting the inter-electronic repulsion, अगर हम inter-electronic repulsion को neglect करते हैं, जैसे हमने अभी just discuss किया था, so अगर उसको neglect करते हैं, inter-electronic repulsions को if we neglect it, then we get जो हमारा equation है. दिस इक्वेशन में से हमारा ये वन अपॉन आर टू कैंसल आउट हो जाएगा, बिकॉज दिस टर्म इज फॉर रिपल्शन बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन्स, सो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और बाकी का हमारे पास बचेगा. सो दैट विल बी हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू माइनस हाफ minus half del 1 square minus half del 2 square minus z upon r1 minus
z upon r. So this will be our equation number 4 that we will get it. This can be written as minus half del 1 square minus z upon r1 plus minus half del 2 square minus z upon r. इसको जस्ट हमने स्प्लिट किया है r1 वाला टर्म del 1 के साथ किया है और r2 वाला टर्म del 2 के साथ किया है. What we can observe is that this is Hamiltonian of single electron systems. These are Hamiltonian of single electron systems or Hamiltonian of hydrogen like atoms. Hamiltonian of hydrogen like atoms है ये, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास क्या था, एक उसका कोऑर्डिनेट का टर्म था और एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था. दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग इट ओवर हियर आल्सो, अ कोऑर्डिनेट टर्म एंड अ पोटेंशियल एनर्जी टर्म. सो दिस वी कैन सॉल्व इट लाइक एच वन जीरो प्लस एच टू जीरो, दैट इज टू हैमिल्टोनियंस फॉर हाइड्रोजन एटम्स, टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए. सो दिस वी कैन राइट इट एज psi of 0 equals psi of 1 2 can be written as phi of 1 into phi of 2. Phi of 1 corresponding to h10 and phi of 2 corresponding to h20. So iska jo energy hoga e0 will also be equal to e0 of 1 plus e0 of 2. So this will be giving us equation number 6, which can be very much similar to two hydrogen-like atoms being taken together. Two hydrogen-like atoms taken together will be giving us the solutions for this. The probability then can be found out by using psi square. So, वहाँ से हमको इसका probability मिल सकता है और electron कहाँ पर है वो हमको वहाँ से easily मिल सकता है. So, what we can have is the psi zero can be given as 1s of 1 electron into 1s of second electron. Because two electrons इसमें, दोनों ही electrons ground state में 1s orbital में रहेंगे. So 1s orbitals में रहेंगे, तो we will have this particular equation for that. That can be, after solving, we will get this z cube upon pi e to the power of minus z r1 into e to the power of minus z r2. ये आपको याद रखना पड़ेगा. This is equation number 7. So when we put the energy eigen values for this, जब हम इसको solve करते हैं, x psi is equal to e psi, तो जो e मिलता है, that gives us the energy term. So ये जो energy term है, इस particular equation का, that energy e0 will be equal to e1s, e0 1s of 1 plus E0 1s of 2, 1s orbital में first electron का energy and second electron का energy कितना होगा. So that will be equal to 2 into minus half z square will be the energy for this. So that will be given as ये 2 और ये 2 minus half cancel हो जाता है. So it will be minus z square will be the energy. For helium, z equals to 2, so E will be equal to, or E0 will be equal to minus 2 square, so that will be minus 4 atomic units, minus 4 atomic units for this ground state में इसका energy होगा. इसी को अगर हम joules में convert करें, तो that will be equal to minus 1.74 into 10 raised to minus 17 joules. That comes to approximately minus 108.3 electron volt. ये इतना energy हमें आता है अगर हम electron volts में इसको convert करते हैं तो. But जो experimental value है, experimental जो value है, that is equal to minus 78.4 electron volt. So this is quite far away from the experimental value. So experimental value के ये कहीं पर भी नजदीक में नहीं है. So
दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, ये हमारा एक्सेप्टेबल सोल्यूशन नहीं है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो वेयर वी हैव गॉन रॉन्ग फॉर दिस इज दैट बिकॉज ऑफ निग्लेक्टिंग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. जो हमने इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वन अपॉन आर टू टर्म को निग्लेक्ट किया, सो उसके लिए हमारा ये यहाँ पे काफी दूर आया है. हमें दो करेक्शन यहाँ पे करने पड़ेंगे. फर्स्ट थिंग, वी हैव टू कंसिडर द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. When we consider the inter-electronic repulsions, that is upon using perturbation term 1 upon R1, this is the inter-electronic repulsion term that we are having. So, ye inter-electronic repulsion term agar hum lege, so energy obtained is minus 74.8. From 108, it comes down to minus 74.8, which is in very good agreement with the experimental value of 78.4. लेकिन स्टिल इट हैज एन एरर ऑफ 5%, एंड दिस एरर ऑफ 5% इज क्वाइट लार्ज. सो वी वुड लाइक टू मिनिमाइज दिस एरर ऑल्सो. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट कि व्हेनेवर एन एटम इज कंसीडर्ड अराउंड इट, इफ देर आर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड, देन व्हाटएवर दिस इलेक्ट्रॉन फील्स द चार्ज ऑफ दिस न्यूक्लियस विल बी डिफरेंट देन द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस. क्योंकि इस न्यूक्लियस का जो चार्ज इस इलेक्ट्रॉन जो फील करेगा वो इन्फ्लुएंस करेगा ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ऊपर भी, इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन है उसके ऊपर भी. दिस वी कॉल इट एज शील्डिंग इफेक्ट. शील्डिंग इफेक्ट हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, बिकॉज द एस इलेक्ट्रॉन्स शील्ड्स वेरी नाइसली द न्यूक्लियस. सो ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चार्ज को कम फील करेगा. इट विल नॉट बी फीलिंग इट कंप्लीटली, बट इट विल फील लेसर दैन दैट. सो इफ वी टेक इनटू कंसीडरेशन दिस शील्डिंग इफेक्ट और द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ वी टेक इट इनटू कंसीडरेशन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू कम्स टू By using this effective nuclear charge or the shielding effect, one electron on the shielding effect of one electron on the nuclear charge felt by the other, then the energy obtained is minus 77.48, which is quite very near to that of observed energy of minus 78.4. So, एक electron volt के आसपास का it is. Exactly 0.96 electron volt का difference आता है, and this is quite good agreement, and so it is a acceptable experimental value. इसमें और भी अगर हम effects लाते हैं तो it will be very near to 78.4, but that is not needed for us. This effective nuclear charge and perturbation terms, ये दो terms अगर हम वहाँ पे introduce करते हैं, then also the energy becomes acceptable energy. And the difference is only about 1%. 1% error आता है, ज़्यादा error यहाँ पे नहीं आता है. अगर हम ये effective nuclear charge को consider नहीं करते हैं, then it will the error is of the order of 5%. So we can minimize the errors by introducing certain corrections into it. But by approximations we can come across the, very nearer to that of the experimental value. तो कैलकुलेशंस हम इतना डीप में कैलकुलेशंस हम नहीं करते हैं यहाँ पर, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर इफ वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ईच एंड एवरी टर्म इन्वॉल्व्ड इन इट. अगर हम उसमें से काफी सारे निकाल सकते हैं, देन इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर हैमिल्टनियन. सो दिस इज व्हाट इज द मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स, वेयर वी हैव डन the two corrections, perturbation term and effective nuclear charge ka correction humne kiya. So this is for multi-electronic atoms. Now